एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। कैसे हो आप सब? आज मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ इवनिंग से शुरू, और यहाँ मैं शाम की झाड़ू निकाल रही हूँ। तो आरना अपना टीवी देख रही है और आरना के पापा कर रहे हैं अपना काम। मैंने आज उनको लगा दिया है बिजली के कामों में। नए घर में आते ही मैं उनको ये सारी चीज़ें करवा रही हूँ। कभी कुछ करवाती हूँ, कभी कारपेंटर बना देती हूँ उन्हें, कभी मैं बिजली के कामों में लगवा देती हूँ। तो वो अपना वहाँ बिजी चल रहे हैं बालकनी में, और यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और शाम की मतलब रात की खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और जो किचन में आपको कुकर दिख रहा होगा ना, उस पर मूली के पत्ते और मूली मैं उबाल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे वही सब्जी बनानी है। इसलिए उसके बाद मैं जाऊँगी चाय बनाऊंगी। तो आज जो है मेरा जो रात का डिनर है, मैं जल्दी ही बना लूंगी, क्योंकि मुझे लगवानी है मेहंदी। इसलिए तो मैं सोच रही थी कि एक हाथ पर मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मतलब काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, जब से हम इधर आए हैं, कि एक हाथ पे तुम आज बाहर से लगवा लेना। तो पहले तो मैंने मना करा था, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक हाथ पे लगवा लेती हूँ। और एक हाथ पे तो मेरे हस्बैंड लगा ही देते हैं। तो वो मैं हमेशा ही हर साल ही मैं उनसे एक हाथ पे मेहंदी लगवाती हूँ। तो बस मैं लगवा लूँगी, और जाके मैं कर रही हूँ चाय का पानी रख रही हूँ। और जाके मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया बाहर, कुछ मांग रहे थे मुझसे, कील जो होती है ना वो मांग रहे थे, कील मांग रहे थे। तो मैंने वही लाकर उनको दिया है। और मैंने बताया ना कि ये बिजली का काम मैंने उनको लगवा दिया है, क्योंकि मुझे ना ये बालकनी जो है बड़ी वाली, इसमें रात को अंधेरा होता है और अंधेरा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मुझे रात को यहाँ पर बल्ब लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने उनको सारी बालकनियों में मैंने बल्ब लगवा दिया है। बस एक बेडरूम की जो बालकनी है उसमें रह गया है। दोबारा किचन में आ गई हूँ मैं, और उसके बाद जो चाय वगैरह थी उसमें मुझे चीनी रह गई थी, तो चीनी मुझे डालनी है। और चीनी डालने के बाद फिर मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ उसके बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, सिर्फ बाल रह गए हैं वो बांधने हैं। और अभी मैंने आना भी रेडी हो गई है, रेडी नहीं है अभी उसके बाल भी ठीक करने हैं, बाल बिखरे हुए हैं। और खाना वगैरह मैंने बना लिया है, क्योंकि मेहंदी लगवाने जा रही हूँ और एक ही हाथ पे लगवाऊंगी, लेफ्ट 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 में लगवाऊंगी, क्योंकि राइट में मैं अपने हस्बैंड से ही लगवाती हूँ हमेशा। मैंने आपको बताया भी था एक बार, शायद बताया था कि एक हाथ में मैं अपने हस्बैंड से ही लगवाती हूँ करवा चौथ पे मेहंदी। तो ये इसलिए तो ये काफी जब से हम इधर आए ना, तो इन्होंने देखा कि मेहंदी वगैरह यहाँ पे लगती है, तो तब से मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें इस बार मेहंदी बाहर से ही लगवानी है। क्या जोड़ दिया? ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लगवा लेती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास टाइम होता नहीं है अभी। आपको पता है कि हमने अभी शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो काम थोड़ा फैला हुआ है, अभी मेरा घर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। तो मैंने फटाफट से मैंने खाना बना लिया है, डिनर बना चुकी हूँ, बस बर्तन वगैरह साफ, यहाँ तक कि मैंने रोटियां भी बना लिया। मैंने कहा पता नहीं मेहंदी लगी होगी, और पता नहीं कब तक मेहंदी सूखेगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो गया है ठंडा, और पंखे की अब तो हम पंखा नहीं चलाते हैं, और अभी भी नहीं लगा रहा है, चलाया हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी ये चोटी बना के फिर मैं जाती हूँ। हाँ, चल रहे हैं, तो मैं लगवा लूंगी मेहंदी, और आरना झूलेगी पार्क में, तो इस आरना का ध्यान रख लेंगे आरना के पापा, क्योंकि इतनी देर तक वो तो वहां नहीं रहेगी। और आज मैंने अपना ब्लॉग जो है ना इवनिंग से ही शुरू किया है, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी मॉर्निंग से करूं, बट काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से काम खत्म कर लेती हूँ। और फिर मैं नहा ली थी ऐसे कोई 1-1.5 बजे करीब नहा के आई इतना, तो मैंने बाल काढ़े ही नहीं, ऐसे ही बांध लिए थे गीले ही। तो अब मैं जाके इसको कॉम करने जा रही हूँ।
हम बाहर आ गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कंगन ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और आप देख सकते हो ना यहाँ पे जो मेहंदी लग रही है, मुझे यहीं पर मेहंदी लगवानी है, और आप भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरा नंबर तो आएगा नहीं, काफ़ी लेट आएगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा घूम लिए, फिर लिए, और फिर ये चले गए थे। आरना परेशान कर रही थी, उसको झूला झूलना था, तो ये चले गए थे। तो फिर मेरा नंबर अब आया है, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और यहाँ पर एक छोटी बेटी खड़ी थी, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे थोड़ी सी मेरी वीडियो बना लो, तो बस वो वीडियो बना रही थी। और उसके बाद यहाँ मुझे लगभग 10:30 के करीब मैं फ्री हुई थी, तो फिर बस लगवा के मैं चली गई थी घर। और मतलब वैसे तो मुझसे कह रहे थे कि आप दोनों हाथ में लगवा लो, बट मैंने उनको मना करा कि नहीं, मुझे अभी एक ही हाथ में लगवानी है। तो फिर मैंने इनसे टाइम पूछा, तो कह रहे थे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मेहंदी लगाने में। इसलिए तो अब है सुबह का टाइम, तो गुड मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ नाश्ता, नाश्ता बना रही हूँ, पकौड़े बना रही हूँ। और अभी ये दोनों भी उठ चुके हैं, और मैंने रात को कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और आरना भी ज़्यादा परेशान कर रही थी, सोने के लिए बोल रही थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं रात को वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, और मैं आपको मेहंदी भी नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ अभी पकौड़े बना रही हूँ, उसके बाद नाश्ता करके, तो बाकी के जो सारे काम होंगे वो मैं ख़त्म करूँगी। जैसे आप सबको पता ही है, घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसके बाद मैं फ्री होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग, और अभी मैं नहाने ही जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, कल से बात नहीं हुई आपसे, और कल ही इवनिंग में हुई थी बात, तो कल मैं वीडियो रात को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी ना, वहां से आई तो आरना बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो तो शुक्र थी कि मेरी जो मेहंदी जो मैंने लगवाई थी वो थोड़ी बहुत सूख गई, तो इसलिए फिर मैंने उसको सुलाया, और उसके बाद खाना वाना खाया, तो फिर मैं भी जाके इतनी थक गई थी ना, तो मैं भी सो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और ये है मेहंदी, ये मैंने लगवाई है, एक ही हाथ पर लगवाई है। और मैं आपसे कल कह रही थी ना कि मैं लेफ्ट में लगवाऊंगी, बट मैंने नहीं लगवाई। वहां पर मुझे याद आया कि अगर जैसे ये बिजी हुए तो फिर नहीं लगवा, मतलब वो लगा नहीं पाएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं राइट हैंड में लगा देती हूँ, और लेफ्ट में अगर हो पाएगा तो या तो मैं खुद लगा लूंगी या मैं इनसे लगवा लूंगी। तो ये था, और 200 लिए हैं इसने एक हाथ के, यहां तक की है। और देखिए जो कलर तो था ना सुबह, मतलब काफी वो आया था,
काफी कलर था मतलब, और फिर मैंने काम किया है, थोड़ी सी लाइट हो गई है बट कोई नहीं, इतनी तो चली जाती है। तो ये थी, मैंने रात को आपको मेहंदी तक भी नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी इसलिए। और नाश्ते में पकोड़े बनाए थे, थोड़ा हैवी कर लिया नाश्ता। और कल है करवा चौथ, और अभी मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मैं करवा जो होता है ना, मैं वो लाना भूल गई थी, तो जाके नहा के मैं करवा लेने जाऊंगी। और ये जो वीडियो जाएगा वो जाएगा कल मतलब करवा चौथ पे, तो इसलिए तो मैं अभी आपको बोल देती हूँ कि हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि ये वीडियो करवा चौथ वाले दिन ही जाएगा इसलिए। तो चलिए वीडियो को भी ऐड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।